स्वामी होंगी धर्मरक्षक सिंह दारा सेना के महामंत्री हैं, हमारे साथ जो जग्गू बाबा है और इनके साथी हैं कि वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने ग्राम स्टैप जैसे शैतान को उसके दो बच्चों सहित जिंदा जला था और हम इनका स्वागत यहाँ पर करते हैं। आज हमारे दारा सिंह उड़ीसा की जेल में बंद है, उनको छुड़ाने के लिए दारा सेना और सब साथी लोग संघर्ष करते हैं जिनको 17 साल बाद भी आज उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो नक्सलवादी आतंकवादी CIA के एजेंट हैं, वो सब दोषी हैं जिन्होंने आजीवन कारावास को ताउम्र जेल में की नई परिभाषा दी है। जबकि आजीवन कारावास के कैदियों को 14 वर्षों में छोड़ दिया जाता है, किंतु ये जितने भी देशद्रोही जज हैं खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय के नक्सली आतंकवादियों को देशद्रोहियों को तुरंत छोड़ देते हैं। विनायक सेन हो चाहे किस्ता सिकलवाड़ हो चाहे नंदनी सुंदर हो चाहे जितने भी ये आतंकवादी हैं जितने भी नक्सलवादी हैं इनको ये जज सुप्रीम कोर्ट के तुरंत छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जेएस खेर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए दीपक मिश्रा जी का नाम सिफारिश किया राष्ट्रपति के लिए, इसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति जी का स्वयं अधिकार है कि वो किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त करें, वो उनका अपना अधिकार है। किंतु जिस प्रकार से इन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति की सत्ता को ललकारा है उसका विरोध करते हैं और मैं स्वामी ओम जी से भी कहूँगा कि वो इन बहादुरों के लिए जिन्होंने ग्राम स्टैप जैसे शैतान को मारा है दो सबके हैं। मैं दारा सिंह जी का और इन सभी बहादुर का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनको शाबाशी देता हूँ। साथ में मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इन विधर्मियों के साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे ग्राम सेवक के साथ में किया गया, ताकि ये विधर्मी लोग यहाँ से ख़त्म हो और ये देश हिंदू राष्ट्र बने। जैसे कि मुकेश जैन जी ने कहा कि जैसे जयाल ने दीपक मिश्रा का की सिफारिश की है वो CIA एजेंट हैं, ऐसे जगहों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार दीपक मिश्रा को सिंगल ऑफ इंडिया बनाएगी तो हम देश जात के आंदोलन करेंगे और होगा उसके लिए दीपक मिश्रा सहित सरकार जिम्मेवार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आगे एक खास बात और बताना चाहता हूँ, जिस समय उड़ीसा की जेल में दारा सिंह के साथ बंद था उन्होंने मुझे बताया था ग्राम स्टैप को शैतान है जिसने पुरनिया में हथियार गिरवाए थे, ये सारे के सारे हथियार इंग्लैंड के चर्च ने गिरवाए थे और इंग्लैंड के चर्च के पादरी किम डेविस और पीटर ब्ली ये सब पादरियों ने मिलकर पुरनिया में हथियार गिरवाए थे और उनको हथियारों को उठाने वाला और गिरवाने वाला एक ही शख्स था जिसका नाम था ग्राम स्टैप, जिसको दारा सिंह ने बच्चों से जिंदा जला के मारा था और ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने उस ग्राम स्टैप जैसे शैतान को मारा था। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जो अनुच्छेद 124 है संविधान का उसमें राष्ट्रपति जी का स्वयं का अधिकार है मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का और जेएस खेर साहब ने दीपक मिश्रा के नाम की सिफारिश की उसका हम विरोध करते हैं और लगातार हम दिल्ली की सड़कों पर रुककर इस दीपक मिश्रा को जो CIA का एजेंट है इसको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने देंगे। हमारे माता की जय, दारा सिंह की जय। हमारे धर्म योद्धा दारा सिंह जी को सरकार फौरन रिहा करे, 17 साल उनको हो गए हैं, 14 साल में रिहा करना चाहिए था। यदि वो हमको रिहा करने से लगाएंगे विलम्ब करेंगे तो हम देश जाते आंदोलन करेंगे और पूरे उड़ीसा में हम हल्का मचा देंगे, दवाई मचा देंगे। मैं आपसे आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द